Now we will take up the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Bill 2012. Time allotted is 2.5 hours. Now Sri Bandaru Dattatreya to move. Chairman sir, I beg to move the motion that the bill further to amend the Child Labour Prohibition and Regulation Act of 1986 be taken into consideration. You don't want to speak. Okay, then Sri Shadi Lal Batra. धन्यवाद ये जो चाइल्ड प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन बिल आया है देखने को तो बहुत ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन इसके हालात क्या हैं हम चाहते क्या हैं हम कहते हैं कि बच्चे हमारे करुणाधार हैं कल सुगंधर से हमारे करुणाधार हैं हमारे कल के भविष्य के लिए वही हमारा फेस है लेकिन जब हम बात करते हैं तो बात में कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती जिनको हम करुणाधार बताते हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूँ बड़े से बड़ा बनाऊँ और वो समाज में और देश के लिए कुछ करे लेकिन होता क्या है आज अगर हम देखें तो हमारे 40% जो ओ बोल रहे हैं बोलते रहे तो 40% हमारे देशवासी बीपीएल कैटेगरी में हैं बीपीएल कैटेगरी में आने के बाद क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जहाँ स्कूल भेजते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे गांव वाले जैसे हैं कि हमारे मवेशी कौन ले जाएगा उनको पानी कौन पिलाएगा उनके सानी 100 काम होते हैं खेती बाड़ी में हों या मजदूरी के हों वो करते हैं तो वो कहते हैं कैसे होंगे तो वो बच्चों को ये कहते हैं कि वहाँ ना जाओ और कुछ नहीं तो हमारा बच्चा अगर मवेशियों को लेके जाएगा काम करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि हमारी बचत होगी हम आगे चलेंगे ये यहाँ से एम्प्लॉयमेंट शुरू होती है वो एम्प्लॉयमेंट घर की हो वो एम्प्लॉयमेंट बाहर की हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई एम्प्लॉयमेंट शुरू होने के बाद फिर हम आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि ये तो होने के बाद कुछ कार्य आगे नहीं हो रहा एक बार आज से जो 2 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने हरियाणा में किया था कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब वो केजी में जाते थे तो शिक्षा फ्री होती थी शिक्षा मिड डे मील होता था लेकिन उसके साथ स्टाइपेंड दिया जाता था ताकि उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स अपने बच्चों की कमाई पे चलना चाहते थे जो पेरेंट्स अपने बच्चों की कमाई को आगे लेके जाना चाहते थे उनको हर महीने मिलता रहे हम जब तक उन फैमिलीज़ को जिनके पास साधन नहीं है उन फैमिलीज़ को जो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं कि वो कमा के लाएंगे और सारी कुंभक खाएगा तो उनके लिए कुछ साधन नहीं बनाएंगे तो बात नहीं होगी शिक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा एम्प्लॉयमेंट कैसे रोकेंगे एम्प्लॉयमेंट में कैसे चलेंगे आज अगर हम देखें तो हर साल 60,000 बच्चे इस देश में गुम हो जाते हैं 60,000 जो बच्चे जो गुम होते हैं वो किस लिए गुम होते हैं इसलिए गुम होते हैं कि उनके वैश्यवृत्ति होती है उनसे भिक्षा मंगवाई जाती है उनके अंग लेकर वो उनका व्यापार होता है तो उनको हम रोकने के लिए कानून व्यवस्था क्या है वो कानून व्यवस्था कुछ नहीं कानून व्यवस्था है नहीं शिक्षा के लिए हमारा कोई प्रोत्साहन नहीं तो फिर बच्चों के करें क्या बच्चे जो आगे आएंगे तो उनको कोई ना कोई तो काम देना होगा कोई सोचना होगा और बच्चों का काम सोचने से पहले उनके माता पिता को बताना होगा कि आप हम कल आने वाले भविष्य के लिए जो आपके बच्चे हैं वो आगे क्या बने इसके लिए आप थोड़ा सोचिए और वो तब सोच सकते हैं कि जब उनको कोई साधन हो अध्यक्ष जी अगर हम बात करें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमने बहुत कानून बनाए संविधान भी कहता है बहुत अधिनियम भी हैं और उन अधिनियमों को लागू कितना करते हैं इस बात की आ जाती है कि लागू नहीं होते तो सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी आगे चलने से बात होगी कि हम कैसे करें और इसको कैसे बनाएं आज ये जो कानून आया है एक रेगुलेशन का बिल क्या आया है इसमें एक सेक्शन 7 है कि जिसमें परमिशन दे दी गई है कि बच्चों को
अगर काम करना है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जाना है तो कितने घंटे होगा और कितना रेस्ट होगा और क्या चीज़ होगी, इसके मतलब डबल पर्पस है। मैं पहले एक मिनट सेक्शन सामने कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड आर परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ सच नंबर ऑफ आवर एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर सच एस्टेब्लिशमेंट आर क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। द पीरियड ऑफ वर्क ऑन ईच डे शैल बी सो फिक्स्ड दैट नो पीरियड शैल एक्सीड 3 hours and that no child shall work for more than 3 hours before he had an interval for rest of 1 hour। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी ये चाहेगा कि वो जो बच्चा मेरे में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसको एक रजिस्ट्री तो भरना होगा कि 3 घंटे काम किया 1 घंटे का बच्चे को रेस्ट दे दिया वो काम कर ले। इससे क्या प्रभावित होगा, इससे प्रभावित हो जाएगी उसकी शिक्षा, इससे प्रभावित हो जाएगी कि वो काम करने की उसकी जो भावना है वो ऐसी बढ़ जाएगी कि वो कहते हैं मैं काम करता रहूँ। उसको अपने भविष्य का नहीं मालूम कि मेरा भविष्य क्या है, उसको ये मालूम नहीं कि आने वाले कल में क्या होगा, तो फिर ये हम कैसे करेंगे। हम दो मुही जबान जो बोल रहे हैं, एक तरफ से रेगुलेट कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर हो और एक तरफ हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर ना हो। चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात का हामी हूँ, लेकिन मैं इसके साथ एक बात का और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिक्षा जहाँ हम अनिवार्य करते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा मिलने के लिए हम अगर उनको हर महीने स्टाइपेंड दें केजी से लेकर ऊपर तक और उन परिवारों को जो बीपीएल में हैं, तो हम एक ऐसा करेंगे कि एक अच्छा नागरिक बना सकेंगे, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आ जाएगा। तो हम उसमें ये कर रहे हैं कि हम जो हम एमएनडी में ग्रांट दे देते हैं, जो हम ये कहते हैं कि ये तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, तो हम उनको किसी बात के लिए दें कि जब वो पढ़ें। हम किसी बच्चे को भिखारी नहीं बनाना चाहते, उसके हाथ को इतने योग्य बनाना चाहते हैं कि वो काम करके आगे चल सके। उसमें अच्छा की बात आगे और चलती है तो ये चलती है कि जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हम कैसे पूरी करेंगे। चुनौतियां पूरी होंगी कि गरीबी का निवारण खत्म हो, गरीबी खत्म हो पहली बात, फिर शिक्षा के लिए हम इतने अच्छे स्कूल बना दें कि बच्चा वो जाए तो उसका वहाँ ये कहे कि वाकई ही बच्चा एक ठीक चल रहा है, और बच्चे चलने के बाद उसको ये करें कि उनके बाद ठीक है आज बच्चे के क्या है। जहाँ हम सोचते हैं कि बच्चे के पीठ के पीछे या बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा, उसके सिर पे ईंटें हैं, उसके हाथ में कलाड़ी है, उनमें दूसरे है, वो काम करने में ज़्यादा लगता है, ऐसा बच्चा पढ़ नहीं सकता। और यही कारण है कि और यही कारण है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के बजाय एक मजदूर बना रहे हैं। अच्छा मजदूर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो हमने डिस्टिंक्शन करनी होगी, ये सोचना होगा। आज चाइल्ड वेलफेयर लेबर का जो प्रोहिबिशन बिल आया है, ये आज का बिल नहीं, ये हमारे भविष्य को साधेगा, ये भविष्य का बिल है, और भविष्य के बिल के लिए हमने अपनी जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली कौम को आगे कैसे ले चलना है कि यहाँ से चलेंगे। उसको लेबर से रोकेंगे तो उसके लेबर रोकने से उसको साथ हम शिक्षा दें, उसको इतना अच्छा नागरिक बनाएं कि ठीक है, तो फिर वो आगे चल सकेगा। इसे आगे अगर हम चलें तो हमारे देश कितना खुशहाल कितना बनो, बहुत बच्चों को सुनिश्चित देखभाल और विकास पर भी हमारी बात जानी चाहिए। देश के स्वतंत्र हुए 67 वर्ष हो गए हैं, बाल मजदूरी के संदर्भ में निरंतर वृद्धि हो रही है और जो कि देश के विकास में बाधक बनती जा रही है। कुल मैं फिगर देना चाहूँगा, 25.2 करोड़ बच्चों में से 5 से 14 वर्ष की आयु समूह के 1,026 बच्चे बाल विकास बाल भूमिका में हैसियत से काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 12 लाख बच्चे खतरनाक व्यवस्थाओं में कार्यरत हैं। तो इतनी संख्या में आ रहे बच्चे हैं, लगे हुए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे, क्यों कि वो आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है, आतंकवाद यहीं से शुरू हो जाता है कि जब बच्चा
इतना ना कमा सके जिससे वो अपना गुजारा कर सके, इतना ना कमा सके कि अपने परिवार को पाल सके, इतना ना कमा सके कि जो सामाजिक उसके ऊपर जिम्मेदारी लगी हैं उन जिम्मेदारियों को दूर कर सके, तो फिर क्या होगा? वो यही होगा कि वो आतंकवाद की तरफ जाएगा। तो इसके आतंकवाद से अगर हमें बचना है, भुखमरी से बचना है और इस व्यवसाय से बचना है, तो हमें एक करना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ ऐसा वातावरण बनाना होगा, ऐसा सोचना होगा कि वो लोग आगे आप सोचें कि हम भी आज़ाद भारतवर्ष के बच्चे हैं और हमारे ऊपर जो भी कर्तव्य हैं या हमारे से जो भी आशाएं की जा सकती हैं, हमारे से जो भी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपना कार्य करेंगे। तो प्रधान जी अध्यक्ष जी, वो कार्य कैसे पूरे करेंगे, कब करेंगे? उसका बचपन से शुरू हो जाता है। अब हम कहें कि एडोलेसेंट बच्चे तो 14 से 18 तक हैं, उनको तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो विस्फोटक ना हो, जो दूसरी ना हो, लेकिन 7-8 साल से बच्चे काम शुरू कर देते हैं, तो 14 तक वो क्या करें, उस एज को हम कैसे करेंगे, इसके लिए सोचना होगा। ये जो बिल आ रहा है कि जिसमें आप रेगुलेशन कर रहे हैं और बच्चों को सर्विस दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि 3 घंटे के बाद ये एक और बेईमानी की तरफ जाएंगे, ये और सोचेंगे कि भाई इस कानून को हमने वायलेट कैसे करना है। कानून बहुत है, कानून बहुत है और कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन उनका लागू नहीं होते और लागू नहीं होते तो एक सोचते हैं कि इनकी वायलेशन के लिए हमने ये करना है। तो मैं तो आज एक ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो भी है जो सोचे, हम इस दृष्टि से सोचते हैं कि हम ये काम करना है, उसमें कोई किसी प्रकार का कंसेशन देकर ये नहीं कहें कि इसको रेगुलेट कर दें, बच्चे की सर्विस अगर लग जाती है, बच्चा काम करता है तो कोई बात नहीं, 3 घंटे काम करो। वो 3 घंटे काम नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए अपने आप को ये सोच लेगा कि मैंने तो नौकरी करनी है और नौकरी यही बच्चे है, और फिर उसका बचपन जो एक होगा कि जहाँ कोई गलती होती है तो मालिक जो जिसके नौकरी कर रहा होता है उसकी पिटाई करके उसको इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल सहम जाता है, यानी बच्चा अपने जीवन में खुल के आगे नहीं आ सकेगा, काम नहीं कर सकेगा, पढ़ाई नहीं कर सकेगा, और उसके बाद वो सहमा सहमा बच्चा अपना नहीं अपने परिवार का भी आगे जाने ले जाने के बजाय पीछे ले जाएगा। उसके लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा काम करूँ कि जैसे हो। और आतंकवाद यही है, आज ये आम खबर आती है कि पत्थर फेंकने हैं तो 500 रुपये दिन के देते हो एक बच्चे को और वो पत्थर फेंकेगा, और 500 रुपये बच्चे लेके और जो पत्थर फेंकते हैं वो चोटें लगती हैं तो क्या है उस बच्चे का जीवन का क्या होगा, उस जीवन के कितना हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए बच्चों को कहीं भी ऐसे कोई काम ना करने की वजह से कि वो जो असामाजिक हो, जो इलीगल हो, जो ठीक ना देश के लिए हित में ना हो, ऐसा बच्चा काम ना करे, वो तब हो सकता है कि जब हम उसको पूरी शिक्षा देकर उसको ऐसा वातावरण दे दें कि उसने इस नागरिक अच्छा नागरिक बन के देश की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, अपनी सेवा करनी है। धन्यवाद। धन्यवाद।